यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल चार पिक्सार। मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आज हम बात करने वाले कि मेरी उस फोटो को हम कैसे एडिट कर सकते हैं पिक्सार ऐप की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना पिक्सार ऐप ओपन करना है। तो जब तक मेरा पिक्सार ऐप ओपन होता है आप तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओपन होने के बाद पिक्स कैनवास पे क्लिक करना है, ड्रॉ ऑन फोटो पे क्लिक करना है और मेरे दिए हुए बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसकी डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे आना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है और अपनी एक फ़ोटो को यूज़ करना है। मैं अपनी इसमें कटआउट को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं अपने फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड कैसे रिलीज करता हूँ तो आप मुझे मैसेज करना ना भूलें। अब हम अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर लेंगे और इस कार्ड के हिसाब से बड़ा कर लेंगे। इतना ध्यान रखना कि पूरा एजेस तक नहीं रिसाइज करना है दोस्तों। उसके बाद हमें इफ़ेक्ट्स में जाना है और इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट करके उसमें VNYL3 फिल्टर को यूज करना है। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना है दोस्तों, तो वो भी आप देख लीजिए। नॉइस को जीरो कर देना है ताकि हमारी इमेज क्लियर रहे, और आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने अपनी इमेज के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लिया है। फिर हॉरिजॉन्टल को एकदम जीरो कर देना है क्योंकि एक ब्लू या फिर रेडिश कलर की लाइट साइड से आती है तो उसको हमें नहीं रखना है। और फेड अपने हिसाब से करना है, अपनी इमेज के हिसाब से। वैसे मैंने फेड रखा है 20 पे और आप चाहें तो इन सेटिंग्स को कॉपी भी कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद अपनी इमेज को हल्का सेट कर लीजिए ताकि वो कार्ड्स के ओवरलैप ना करें, और उसका हल्का सा ओपेसिटी आप कम कर दीजिए, 85-90 रखिएगा दोस्तों, ताकि ये हमारा जो फोटो है वो हमारे कार्ड के बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाए। अब इरेजर टूल को सेलेक्ट करके इरेजर पे आना है और इरेजर को डिस्प्ले की गई सेटिंग्स के साथ आपको मैच करके और अपने नीचे का पार्ट इरेज करना है। दोस्तों अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको बीच बीच में डिस्प्ले किया जा रहा है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। अब इतना होने के बाद आपको एक और PNG का यूज़ करना है, जिसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे डाउनलोड लिंक एक ही होगा, आपको वहीं पे सारी PNGs मिल जाएंगी। तो ये PNG है इक्का टेक्स्ट की, इस कार्ड का नेम इक्का होता है दोस्तों, इसी से हमने इक्का का यूज़ किया है। इसको हल्का सा छोटा करके और आपको नीचे एकदम बॉटम लाइन पे इसको सेट कर लेना है। इसकी भी ओपेसिटी आपको कम करनी है, 80-75 के बीच में रखना है। फिर इरेजर टूल को यूज़ करना है और डिस्प्ले की गई सेटिंग्स के साथ आपको इसको ऐसे इरेज कर लेना हल्का हल्का सा, ताकि ये ब्लेंड हो जाए हमारे बैकग्राउंड के साथ और थोड़ा सा रियल लगे। उसका डन पे क्लिक कर देना है, लाइक करना ना भूलें दोस्तों वीडियो को। अब डन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो पे। अगर आपके पास आपका लोगो है तो आप उसे इस समय ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका लोगो बना भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको लोगो कैसे बनाना है और किस ऐप का यूज़ करना है। वैसे तो हम पिक्सार्ट ऐप का यूज़ करते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपको चाहिए कोई और ऐप से तो आप मुझे बता दें। बस हमने अपना लोगो ऊपर सेट कर लिया दोस्तों। अब ड्रॉ टूल में जाके और सेव इमेज कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, हाँ कौन था।